हरियाणा राज्य जिसने बागवानी के क्षेत्र में कई उपलब्धियां हासिल की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में बागवानी विभाग ने नए आयाम स्थापित कर रहा है और हरियाणा के प्रगतिशील किसान परंपरागत खेती को छोड़कर बागवानी की ओर रुख कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा राज्य जिसका उदय सन 1966 में तत्कालीन पंजाब के सबसे पिछड़े इलाके को मिलाकर हुआ था, लेकिन यहाँ के जुझारू नागरिकों की मेहनत और इच्छा शक्ति के बलबूते हरियाणा राज्य आज देश के समृद्ध राज्यों में अग्रणी। चाहे उद्योग हो या कृषि, हरियाणा राज्य ने हर क्षेत्र में तरक्की अर्जित की है। कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। समय में बदलाव के साथ जरूरतें बढ़ती भी हैं और बदलती भी हैं, लेकिन जब कृषि के क्षेत्र में विविधीकरण की बात करें तो हरियाणा प्रदेश इसमें भी आदर्श स्थापित कर रहा है। परंपरागत खेती में जोखिम और लागत ज्यादा है, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में बागवानी विभाग प्रदेश के किसानों के लिए नई नई योजनाएं ला रहा है, जिससे किसानों की आय दोगुना ही नहीं बल्कि कई गुना बढ़ रही है और किसानों को बागवानी विभाग के प्रति अटूट विश्वास बन रहा है। इसी के परिणाम है बागवानी के क्षेत्र में हरियाणा राज्य पूरे देश में चर्चा का केंद्र बन रहा है। बागवानी किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए हरियाणा सरकार निरंतर कार्य कर रही है। बागवानी विभाग हरियाणा की ओर से किसानों को सशक्त बनाने के लिए पूरे राज्य में 11 उत्कृष्ट केंद्र स्थापित किए गए हैं। ये सभी उत्कृष्टता केंद्र हरियाणा राज्य के किसानों को उच्च गुणवत्ता के पौधे तैयार करके मुहैया करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी का परिणाम है कि हरियाणा राज्य के किसान अपनी परंपरागत खेती को छोड़कर जैविक खेती करने की ओर बढ़ रहा है। कृषि विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा की मनोहर सरकार ने पिछले 7 साल में बागवानी विभाग के बजट को करीब 3 गुना बढ़ा दिया है। बागवानी विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उठाकर हरियाणा का किसान खुशहाल हो रहा है, जिससे विभाग के प्रति किसानों को विश्वास भी बढ़ रहा है। हरियाणा सरकार की ओर से किसानों को हर योजना का लाभ देने के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा कार्यक्रम सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है। कार्यक्रम के तहत साल 2021-22 लगभग 1.29 लाख एकड़ क्षेत्र को पोर्टल पर पंजीकृत किया जा चुका है। हरियाणा सरकार की योजनाएं राज्य के किसानों के लिए लाभकारी साबित हो रही हैं। बागवानी क्षेत्र में अग्रणी हरियाणा राज्य की मनोहर सरकार ने भवांतर योजना लागू की है। इस योजना के अंतर्गत यदि राज्य के किसानों को अपनी फसल मंडी में बेचने पर कम कीमत मिलती है, अर्थात किसानों को नुकसान होता है, तो उसकी भरपाई राज्य सरकार द्वारा की जाती है। इस योजना के तहत किसानों को कृषि में विविधता लाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। बागवानी फसलों पर भावांतर योजना लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। इस योजना को 1 जनवरी 2018 को लागू किया गया। योजना के तहत 21 बागवानी फसल कवर हुआ। अब तक 5,403 किसानों को 14.12 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन। भवांतर भरपाई योजना हरियाणा सरकार की एक अनूठी योजना है। राज्य के जो किसान अपनी फसल जैसे सब्जियां, फलों आदि का बाजार में बेचते हैं, लेकिन उन्हें अपनी फसल बेचने पर उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है, उन किसानों को राज्य सरकार द्वारा फसल का या तो मुआवजा या फिर फसल की कम कीमत की उचित भरपाई के रूप में प्रोत्साहन धनराशि प्रदान की जा रही है, ताकि किसानों को उसकी फसल का सही मूल्य मिल सके। हरियाणा का बागवानी विभाग प्रदेश के किसानों की आय बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। बागवानी किसानों की फसल को मौसम की अनिश्चितता जैसे प्राकृतिक आपदा, फसल में बीमारी लगने, असामान्य बारिश, तूफान, सूखा पड़ना आदि के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए हरियाणा बागवानी विभाग की ओर से मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत कुल 21 सब्जियां, फल और मसालों की फसल को कवर किया गया है। ऐसी योजना चलाने वाला हरियाणा पहला राज्य है। फल की फसल पर 1,000 रुपए का प्रीमियम तय किया गया है। सब्जियों की फसल पर 750 रुपए का प्रीमियम तय किया गया है।
बल पर बीमा राशि 40,000 रुपए प्रति एकड़ दी जाती है, सब्जियों पर 30,000 रुपए प्रति एकड़ दी जाती है। बीमा दावों का निपटान करने के लिए बागवानी विभाग की ओर से एक सर्वे भी किया जाता है, जिसके अंतर्गत फसल नुकसान की चार श्रेणियां 25%, 50%, 75% और 100% विभाजित की गई है। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना में कुल 21 बागवानी फसलों को शामिल किया गया है। बेल वाली बागवानी फसल में मक्खी के नियंत्रण के लिए हरियाणा की मनोहर सरकार फल मक्खी परियोजना चला रही है और फसलों को रोगों से बचा रही है। किसानों को खुशहाल करने के लिए हरियाणा सरकार लगातार प्रगति की ओर अग्रसर है। राज्य सरकार ने फलों, सब्जियों, मिट्टी और पानी में कीटनाशक अवशेष सामग्री की प्रवृत्ति के लिए कीटनाशक अवशेष प्रयोगशालाएं भी स्थापित की जा रही हैं। हरियाणा की मनोहर सरकार ने सिरसा और करनाल में अनूठी कीटनाशक अवशेष प्रयोगशालाएं स्थापित की। वर्ष 2021-22 के दौरान बागवानी उत्पाद मिट्टी और पानी के कुल 2,916 नमूनों का विश्लेषण किया जा चुका है। प्रयोगशालाओं में की गई जांच में उत्पाद के लिए 5.8% नमूनों में कीटनाशक का अवशेष स्तर अधिकतम अवशेष स्तर से ज्यादा पाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।